एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉयस लुक बुक। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली ब्यूटीफुल सा वाटरप्रूफ पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। सो तेज के लिए भी आप इस मेकअप लुक को कैरी कर सकते हो। सो गाइस, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं ऑफ कैमरा अपने फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है। टोनर एंड मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी प्राइमर ले सकते हो या फिर आपके पास अगर कोई भी एलोवेरा जेल है उसको आप एज ए प्राइमर अप्लाई कर सकते हो। सो प्राइमर को बहुत अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं मार्स का ये वाली कलर करेक्टिंग पैलेट में से ये वाली जो ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है इसको लेकर के जहाँ जहाँ पे हमारा पिगमेंटेशन है लाइक अंडर आई पे, आई लीड पर एंड माउथ के अराउंड अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड ये वाला जो मार्स का कलर करेक्टिंग पैलेट है इसमें मेरा शेड है 01। इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाता है एंड इसका जो कवरेज है ना गाइस, ये हाई कवरेज तो नहीं है बट मीडियम कवरेज देता है आपको। एंड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से डैब कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये वाला जो येलोइश कलर है इसको लेकर के मैंने जहाँ जहाँ पे पहले मैंने ऑरेंज कलर को अप्लाई किया है उसके ऊपर ही इस कलर को मैंने अप्लाई करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसका पिगमेंटेशन लाइक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मैं दो कलर को यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारा जो डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, सब कुछ अच्छे से हाइड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग से कंसीलर अप्लाई नहीं करूँगी। सो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आईब्राउज़ को फिल एंड ड्रा कर लूँगी। उसके लिए मैं ये वाली ब्लू हेवन का आईब्राउज़ पेंसिल ले रही हूँ। ये क्रीमी पेंसिल है। जब भी मैं इस पेंसिल को यूज़ करती हूँ कोई भी वीडियो में, मैं इसके बारे में जरूर बताती हूँ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अगर बिगिनर्स हो इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजिली आप कर पाओगे। और इसका जो पेंसिल है ना गाइस, वो वाला पेंसिल नहीं है जिसको आपको कट करना पड़ेगा। ये जो पेंसिल है ना, लाइक जो काजल होता है ना, जिस तरीके से आप काजल अप्लाई करते हो उसी टाइप का बना हुआ है। एंड दूसरे साइड में आपको कम करने के लिए भी एक स्पूली ब्रश मिल जाता है, आपको अलग से स्पूली ब्रश का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यस, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो जब तो दोनों आईब्राउज को अच्छे से फिल एंड ड्रा करने के बाद मैंने यहाँ पे ये वाली जो ऑलिविया पैन स्टिक लिया है इसका शेड है 03 नेचुरल। तो इसको मैंने पूरे फेस पर एंड ऑल्सो आई लिड पर एज माई आई शेडो बेस में अप्लाई करूँगी। पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी पहले इस तरीके से और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ये वाली लूज पाउडर को इस तरीके से थोड़ा सा अंडर आई पे एंड जॉ लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। इससे क्या होता है, आपका जो मेकअप है फ्लॉलेस के साथ साथ बहुत ही एक स्मूथ फिनिश आपको देता है एंड साथ ही साथ आपका मेकअप और भी ज़्यादा स्वेट प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। समर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस स्टेप को करना। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट कर लूँ। आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैं कलरबोर्ड आई शेडो पैलेट में से ये वाला जो लाइट ब्राउन शेड है इसको मैंने अपने क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक आपको सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैं ये वाली जो ऑरेंज कलर हो उसको लेकर आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूँगी एंड धीरे धीरे इसको इस तरीके से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। और मैं इस ये वाला जो आई मेकअप है ना, तो मैं एक अलग टाइप की आई मेकअप करने के लिए सोचा था बट मुझसे कुछ और हो गया है, बट ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आया था। उसके बाद गाइस देखो, यहाँ पे मैं एक ग्रीन कलर को लेकर इस तरीके से मिडिल पे मैंने प्लेस किया है एंड इनर कॉर्नर पे एक ब्रश के हेल्प से इस तरीके से जो डार्क पिंक कलर है उसको मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है। सो दैट्स इट, ये था एक बेसिक सा आई मेकअप। काफ़ी अच्छा आया है लुक, बट यहाँ पे मैं कुछ और ट्राई करने वाली थी,
कोई नहीं, मेरा ये वाला लुक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। सब कुछ ब्लेंड करने के बाद इस तरीके से मैं जो एक्स्ट्रा पाउडर मेरे फेस पर था उसको मैं इस तरीके से एक ब्रश के हेल्प से डस्ट आउट कर दूँगी बहुत अच्छे से, एंड पूरे फेस पर मैं उस जो ब्रश है उसको अच्छे से एक बार घुमा दूँगी। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेम ऑरेंज कलर को पिक किया एंड इस तरीके से लोअर लाइन पे थोड़ा सा स्मार्च करूँगी, एंड हाफ में मैं इस तरीके से स्मार्च करूँगी, मैं फुल लाइन पे मैंने स्मार्च नहीं करूँगी। तो हाफ तक आपको स्मार्च करना है इस तरीके से, एंड इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा येलो कलर को मैंने पिक किया एंड इस तरीके से प्लेस किया है हल्का सा। उसके बाद यहाँ पे मैं लैक्मे कंस्टा आईलाइनर ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा एंगल आईलाइनर क्रिएट करने की ट्राई की हूँ, एंड पता नहीं कहाँ तक हो पाई है बट अच्छा लग रहा था मुझे। तो इस तरीके से मैंने एक एंगल मैंने क्रिएट किया है पहले तो इस तरीके से, एंड उसके बाद मैंने फिल किया है। एक डिफरेंट टाइप का लाइनर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, अब भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा था अप्लाई करने टाइम। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे NYV का ये वाली खोल आई पेंसिल से वाइट कलर को इस तरीके से लोअर वाटर लाइन पे एज ए काजल अप्लाई कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो ब्लैक काजल है उसको लेकर के मैंने अपर वाटर लाइन पे टाइट लाइन करके इस तरीके से अप्लाई किया हुआ है, एंड थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे भी मैंने अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैंने सेम आई शेडो पैलेट में से ये वाला जो ब्राउन कलर है इसको लेकर के ब्रोंजर अप किया है थोड़ा सा, एंड जॉ लाइन पे एंड हॉलोस ऑफ द चीक फॉरहेड पे मैंने थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। ऑल्सो नोच पर भी मैं फिंगर के हेल्प से नोच को भी ब्रोंजर अप कर लिया है तो इस तरीके से। सो गाइस आप देख सकते हो एक ही आई शेडो पैलेट में से आप काफ़ी सारे वर्क कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे हैटेड विथ लाप आई शेडो पैलेट में से एक पिच काइंड ऑफ शेड को लेकर इस तरीके से एज अ ब्लशर मैंने अप्लाई किया है, और अच्छे से मैं ब्लश को अप्लाई कर लूँगी दोनों चीक पर। एंड उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये वाली जो हाइलाइटर शेड है उसको लेकर के एज ए हाइलाइटर अप्लाई करूँगी टिप ऑफ द नोज़ वेज ऑफ द नोब्स एंड हाइस्ट पॉइंट ऑफ द चीक क्यूटी वो स्टीन एरियाज पे फॉरहेड पे जहाँ जहाँ पे हमारा हाइलाइटेड पॉइंट है वहाँ पे मैंने हाइलाइटर को अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। एंड उसके बाद हमारा जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट है जो लास्ट स्टेप है वो है लिप शेड अप्लाई करना, एंड लिप शेड के अगर आपका जो फुल मेकअप है ना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो इस यहाँ पे मैंने सबसे पहले मार्च का लिप लाइनर अप्लाई किया है ऑरेंज कलर, एंड उसके बाद में यहाँ पे ब्लाशिश का ये वाली रेड शेड को पिक किया एंड मिडिल पे मैंने थोड़ा सा अप्लाई करके इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है लिप्स से ही। और अब देख सकते हो जो मैंने लिप कलर अप्लाई किया है थोड़ा सा ऑरेंज एंड रेड का कॉम्बिनेशन लग रहा है तो अच्छा लग रहा था कैमरे पे पता नहीं बट रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई नहीं किया था तो मस्कारा मैंने यहाँ पे मार्स का मस्कारा ले रही हूँ, और ये वाली मस्कारा माइंड ब्लोइंग मस्कारा है, हाईली रिकमेंडेड है, आप ट्राई जरूर से कीजिएगा। आपको सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस दैट इज़ माई फाइनल लुक, एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बिग ईयरिंग्स एंड नेकलेस के साथ इस लुक को दिखाया, एंड उसके बाद इस तरीके का सिंगल ईयरिंग्स के साथ आपको जो भी पसंद है आप उस तरीके से कर सकते हो। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर ऐसे खूबसूरत लुक के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।